बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक जबरदस्त मस्ती भरा पावर पैक्ड शो जिसको होस्ट करेंगे हम। ये हैं आपकी होस्ट, आपके खुशियों की डॉक्टर, आपके स्वस्थ और मस्त रहने का जरिया, आपकी काउंसलर काबिल सिद्धानी, और ये है केतन सिंह। बस इतना ही। हमारे शो पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, और सीखने का मतलब ये नहीं कि रोते रोते सीख रहे हैं। हम आपको पूरे मस्ती और फुल पावर के साथ बहुत कुछ सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमी बनना, सोशल स्किल्स, बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे लाना, नए नए बड़े बड़े आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत कुछ। और अगर आपको लगता है उद्यमी क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए है, जी नहीं, ये क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही पावरफुल है, और हम चाहेंगे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने। तो हमारे शो का नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो। देखना ना भूलिए। बिल्कुल नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ अनुराज है और मैं पटना बिहार से बेस्ड एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि फोटोग्राफी की लाइन में अपना कैरियर कैसे बनाएं, और अपने आप को किसी भी स्ट्रगल से हो या फिर किसी भी ऐसा मोमेंट हो जहाँ पे आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ से कैसे आगे बढ़ें। मेरा पढ़ाई लिखाई जो था वो बिहार से ही हुआ है सारा कुछ, और मेरे मॉम डैड दोनों PhD होल्डर्स हैं। मेरे पापा कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, तो हमेशा वो लोग चाहते थे कि मैं पढ़ाई की लाइन में कुछ करूं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़ के किसी और चीज़ के बारे में सोचा भी। तो शौक़ तो मुझे बचपन से ही था फोटोग्राफी का, जो छोटा वाला रील वाला कैमरा आता है तभी से, लेकिन वो मिलता नहीं था यूज़ करने के लिए, क्योंकि एक बार क्लिक होने के बाद वो रील ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से वो आज तक कभी मिला नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कुछ कुछ फ़ोटोज़ लिया था उस वक्त। मेरा जो फोटोग्राफी का पहला जर्नी है वो VIT वेल्लोर से स्टार्ट हुआ। कॉलेज में एक फेस्ट था, उसमें सोने निगम आने वाले थे, तो मैंने घर में काफ़ी फोर्स किया, काफ़ी बोलने के बाद मुझे एक छोटा वाला कैमरा मिला। बोला गया कि ठीक है, फोटोग्राफी करना है करो, थोड़ा बहुत करना, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ज़्यादा देना। लेकिन कैमरा मिलने के बाद उसके बाद तो लाइक कभी पता भी नहीं चला उसके बाद मैंने पढ़ाई कब की। और ऐसा हुआ कि ज़्यादातर मेरा जो टाइम रहता था वो फोटोग्राफी में ही बीतता था। इतना इन्वॉल्व हो गया था फोटोग्राफी में कि मुझे ये तक नहीं पता होता था कि एग्ज़ाम्स हैं, मतलब इतना ज़्यादा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा पढ़ाई से पूरा ध्यान हट गया था, और मेरा पूरा का पूरा ध्यान फोटोग्राफी में ही था। लोग मुझे वहाँ पे, जो भी प्रोफेसर थे, मेरे दोस्त थे, वो लोग यही बोले कि तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, उससे बेटर है कि इसी लाइन में चले जाओ।
तुम्हारे लिए बेटर होगा फ्यूचर से लेके सारा कुछ। हिम्मत तो नहीं था, पेरेंट्स नहीं अलाउ करते। उसी वक्त मूवी आई थी 3 Idiots, बस वहाँ से इंस्पिरेशन मिल गया कि जो भी करना चाहिए, जैसा भी करना चाहिए, अपने पैशन को जरूर फॉलो करना चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो अगर इस लाइन में अगर जाना ही है तो घर पर रहने से तो कुछ नहीं होगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद, बोलने के बाद मुझे मौका मिला कि ठीक है तुम दिल्ली जा सकते हो। दिल्ली जाके मैंने अपना फोटोग्राफी के लिए वहाँ पे कोचिंग वगैरह, क्लासेस वगैरह सोचा कि ज्वाइन करूँगा। वहाँ जाने के बाद पता चला कि फोटोग्राफी क्लासेस ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, महंगे थे। तो अब तो मुझे पेरेंट्स का उस लाइन में सपोर्ट मिलने से रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है जो भी हो, मुझे एडिटिंग सीखना है, पैसे जो भी सेव करना है, सेविंग के थ्रू जो भी पैसे रखने हैं उसके थ्रू मुझे एडिटिंग सीखना है। साथ ही साथ ये था कि फोटोग्राफी जो है मैं खुद से सीखूं, खुद से ही प्रैक्टिस करूं। उस वक्त ना यूट्यूब था, ना ही इतना ऐसा इंटरनेट का फैसिलिटीज़ था, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा मुझे कैमरा का कंट्रोल्स वगैरह ये सारा कुछ सीखने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि घर से मुझे 5,000 पर मंथ मिलता था कि उतने में एक महीना चलाना है। 5,000 में से 2,500 मुझे रेंट देना होता था, 2,500 में खाना पीना रहना, बाकी सारा कुछ करना होता था। तो उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल। इवन अभी भी याद है मुझे कि मुझे लोटस टेम्पल का एक फ़ोटो लेना था, लेकिन एक साल तक हम ले नहीं पाए थे क्योंकि क्या हुआ था कि उस चीज़ के लिए अभी तक मैंने पैसे नहीं सेव किए थे। जो भी पैसा मैं सेव करता था वो वहाँ तक जाने के लिए मेट्रो के लिए सफिशियंट नहीं होता था। तो एक बार मैं जब गया भी था तो पता चला आज लोटस टेम्पल बंद है, लेकिन क्या हुआ कि मैंने बाउंड्री के बाहर से एक फ़ोटो क्लिक किया और अपने फेसबुक पर पोस्ट किया। वहाँ से वो फ़ोटो सोनी वालों ने उठाया एंड उन्होंने अपने पेज पर पब्लिश किया था। तो एक अलग मोटिवेशन मिला कि चलो मैंने फ्रंट से फ़ोटो नहीं लिया, किसी और एंगल से फ़ोटो लिया है, लेकिन ये किसी और को अच्छा लग रहा है और ये एक सोनी इंडिया पे पब्लिश होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला, दोस्त लोग भी थे मोटिवेट करने के लिए। धीरे धीरे वही मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट किया, अपना जर्नी वगैरह जो भी था वो स्टार्ट किया, लोगों से मिला, अपना काम दिखाया उनको, अपना काम सोशल मीडिया पर पब्लिश करना स्टार्ट किया। तो मुझे एक बार चांस मिला दिल्ली CG एनिमेशन अवार्ड में फ़ोटोज़ क्लिक करने का। तो वहाँ जो मुझे चांस मिला उस वक्त बहुत बहुत सारे और मतलब कॉलेज में स्टूडेंट्स थे जहाँ पे लोग एडिटिंग का क्लास वगैरह सीखते थे, उनके पास DSLR था, लेकिन मुझे ये चांस मिला था तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये कि मुझे अच्छा फ़ोटोज़ क्लिक करना है। तो उस वक्त इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता आए थे अपने जन्नत 2 मूवी के प्रमोशन के लिए। बस मैंने उनका फ़ोटोज़ क्लिक किया, पोस्ट किया और सडनली क्या हुआ कि ईशा गुप्ता ने और इमरान हाशमी ने वो फ़ोटो अपने अपने सोशल मीडिया पर पब्लिश किया विथ माय फ़ोटो क्रेडिट। तो उस समय के लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात। ऐसा लगा कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ और एक मोटिवेशन मिलते चला गया उसके बाद कि ठीक है मैं जो भी कर रहा हूँ शायद लोगों को ये चीज़ पसंद आ रहा है और मुझे करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। सबसे बड़ा बात था कि मुझे करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि ये मेरा पैशन था। कहीं से भी मुझे नहीं लगता था कि कुछ भी मैं उस लाइन में कर रहा हूँ तो वो मेरा काम है, वो मेरा पैशन लग रहा था। तो एक अलग ही फील होता था अगर मैं फ़ोटोग्राफी लाइन में कुछ भी करता था। रात को 1 बजे निकल जाओ, 2 बजे निकल जाओ, सुबह को 5 बजे वापस आओ, तो एक अलग ही पैशन था। तो रात भर बाहर बिताना, नए नए लोगों से मिलना, अननोन लोगों से बातें करना, उनके फ़ोटोज़ लेना, उनको दिखाना, उनको स्माइल करवाना, तो ये एक अलग मोटिवेशन देता था ये सारा कुछ। धीरे धीरे वहीं से क्या हुआ कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि बिहार में इस लाइन में ज़्यादा कुछ है नहीं। जब भी बिहार में वेडिंग्स होता था या फिर फैशन फ़ोटोग्राफी का बात होता था या फिर कुछ भी और, तो लोग बाहर से फ़ोटोग्राफ़र लेके जाते थे। तो मेरा ये पहला मोटो था कि जो भी रहूं, जो भी करना है मुझे वो बिहार में रह के करना है। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया 1.5 साल वहाँ पे एडिटिंग वगैरह का कोर्स करने के बाद कि मुझे बिहार जाना है। और जो भी पैसे मैंने वहाँ कमाए थे थोड़े बहुत, उससे मैंने सेविंग करके मैंने एक DSLR लिया। और जब DSLR लिया तो
उससे उसका उससे काम करने का एक मज़ा ही अलग होता था, क्योंकि वो अपने पैसा का था। मैंने 21 के एज से घर से पैसा लेना बंद कर दिया, तो पेरेंट्स को भी लगा कि चलो ठीक है, ये जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। उसके बाद बिहार शिफ्ट होने के बाद यहाँ धीरे धीरे मुझे वेडिंग्स का काम मिलने लगा। यहाँ पर मैंने काम किया, लोगों से बातें की, अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो भी थे उनके यहाँ मैंने बहुत कम में काम किया था। एक बार मेरा इंटरव्यू जब मेरे पेरेंट्स ने लाइव देखा दूरदर्शन पे, तो उनको भी ये चीज़ फाइनली वो फील हो गया कि ये जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। वो खुशी अलग ही था उनके उनके चेहरे पे, वो खुशी अलग था जब मैं उसके बाद मैं उनसे मिलने गया था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझको इस चीज़ के लिए नहीं रोका। पहले वो लोग सोचते थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बिकॉज वो लोग खुद PhD होल्डर्स हैं, हमेशा चाहते रहे थे कि मैं भी जो भी करूँ पढ़ाई के लाइन में करूँ। फोटोग्राफी को उतना ज़्यादा उस समय अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, लेकिन ये सब होने के बाद धीरे धीरे ये होने के बाद उनको लगा कि नहीं, चाहे जो हो जाए ये अच्छा कर रहा है। फिर वहीं से करते करते मेरा जो ड्रीम था, एक ड्रीम था कि जैसे लोग बाहर से बुला के लाते थे बिहार में फ़ोटोग्राफ़र्स को, मेरा ड्रीम था कि लोग मुझे बाहर बुला के ले जाए। तो 2014 में मुझे चांस मिला, मैंने काफ़ी सारा डेस्टिनेशन वेडिंग्स कवर किया बाहर जाके, तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि कैनबेरा ने मुझे इंडिया के टॉप 20 वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स में भी फ़ीचर कर दिया, तो लाइक बिहार से आने वाला ऐसा मैं पहला फ़ोटोग्राफ़र भी था। इवन मेरा फ़ोटो एक बार MSN के होम पेज पर रहा, इमोशन कैटेगरी में नंबर 1 पे रहा वेडिंग का एक फ़ोटो। तो काफ़ी सारा उसके बाद जो जर्नी था वो बढ़ते ही चला गया, उसके बाद कहीं कहीं भी मैं रुका नहीं। 2019 में आके मुझे टाइम्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट में से एक था कि पंकज त्रिपाठी से एक अवार्ड लेना। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को, अगर हमारा पैशन है, अगर फोटोग्राफी हो या फिर आर्ट में कोई भी फील्ड हो आपके लिए, कोई अगर अच्छा स्केच करता है, कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा म्यूजिशियन है, तो कभी भी कितना भी प्रॉब्लम आए उस चीज़ में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि गिव अप कर देते हैं, आपको टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है, लेकिन एक ना एक दिन आपको उस चीज़ का जो मेन आपका जो मकसद है वो आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, चाहे जो हो जाए। अभी आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अभी आप पढ़ाई करो, लेकिन आपको पता होगा कि आपका पैशन क्या है, धीरे धीरे अपने आप पता चलता जाता है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई के साथ साथ वो पैशन जो है कभी छूटना नहीं चाहिए। पैशन अलग है, पढ़ाई अलग है, तो दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दोनों करो। मेरे जैसा नहीं कि कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि मेरे से वो पॉसिबल ही नहीं था, मेरे से पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन आप लोग उस चीज़ को ज़रूर कंप्लीट करना और पैशन को हमेशा फॉलो करना। अगर आपको लगता है कि फ़ोटोग्राफी के लाइन में या फिर किसी और लाइन में आप अच्छा अपना कैरियर बना सकते हो, तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करो। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग कैरियर इस चीज़ में कैसे बनाएं, कैसे किसी को अप्रोच करें, कैसे आगे बढ़ें। तो सबसे बड़ा पहला बात होता है कि नॉलेज होना। आपको जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होगा। फ़ोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अब जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रखोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। आपको पता होगा कि कब क्या कैसे करना है, आप अपने माइंड में एक विज़न बना सकते हो कि हम जो तस्वीर लेने जा रहे हैं वो कैसा रहेगा। पहले ही से अगर डिसाइडेड होगा ये चीज़ तो आप अच्छा फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। तो एक्सपीरियंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़ आपको एक्सपीरियंस रखना होगा। उसके बाद होता है कि एक अपना ग्रुप बनाओ, जिसमें आप लोग जो फ़ोटोग्राफी करते हो, आपके जो दोस्त लोग हैं और भी जो साथ में कुछ लोग अननोन भी मिलेंगे आपको, एक ग्रुप बनाओ। उसमें फ़ोटोग्राफी एक दूसरे से शेयर करो कि ये फ़ोटो मैंने लिया है, इम्प्रूवमेंट वगैरह। तो वहाँ से क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, कि आपको सामने वाले का सजेशन, फीडबैक, ये सारा कुछ आपको वहाँ से आगे लेके जाएगा। इसके बाद आता है सोशल मीडिया का ज़माना है ये, तो अपना काम सोशल मीडिया पे अपलोड करो। वहाँ पे भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, लाइक कि किसी को काम अगर आपका पसंद आता है तो वहाँ पे वो लोग आपसे अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से आपको काम मिल सकता है। मुझे भी काफ़ी सारा काम जो है अपने इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू मिलता है,
तो वहाँ वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके भी आप अपना काम वगैरह अपलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। तो सोशल मीडिया भी है जहाँ पे आप अपना काम शेयर करो। आपका जो इंस्पिरेशन है, लाइक हर किसी का एक इंस्पिरेशन होता है, लाइक मेरे लिए आदित्य वेंकटेश है, तो मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूँ, वो कैसे फ़ोटोज़ लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो आपका भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगा आगे चल के। तो और अभी से ही डिसाइड कर लो कि फ्यूचर में आपको क्या करना है। जो पहले से डिसाइडेड होगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी मिलते चला जाएगा। अगर आप लाइफ में कन्फ्यूज़ रहोगे या फिर आप ये सोचते रह जाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम जो है वो ख़राब होता चला जाता है। तो अभी से ही आप 11th में हो, 12th में हो या आगे हो, जब भी हो, आप अभी से डिसाइड करते चले जाओ कि आपको पढ़ाई के लाइन में जाना है, आर्ट लाइन में जाना है, किसी और लाइन में जाना है। अगर आप एक्टर हो तो एक्टिंग लाइन में जा सकते हो। तो हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फोटोग्राफी के फील्ड में आज इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हर फील्ड में कहीं भी आप जाओगे, फ़ोटोज़ हर फील्ड में चाहिए होता है। प्रॉपर एडिटिंग हो, प्रॉपर फोटोग्राफी हो, सिनेमेटोग्राफी हो, वीडियो एडिटिंग हो, या फिर डायरेक्शन हो, या जो भी काम हो, ठीक है, आज इतना ज़्यादा काम है इस चीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ इतना ज़्यादा है हर फील्ड में। आप जहाँ भी जाओगे, एक अगर बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ का भी फ़ोटोज़ चाहिए, एक अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ का भी फ़ोटोज़ चाहिए, वेडिंग हो रहा है तो वहाँ फ़ोटोज़ चाहिए, फैशन का पोर्टफोलियो बनाने से लेके हर पोस्टर डिज़ाइनिंग तक फ़ोटोज़ हर जगह है। इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं भी नज़र घुमाओगे आपको फ़ोटोज़ दिखेगा। तो आप जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, जितना ज़्यादा अपना विजन बनाते चले जाओगे, आगे का अपना फ्यूचर डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे ये करना है, उतना ही ज़्यादा अभी से आप अपने अंदर का स्किल जो है वो डेवलप करते चले जाओगे। और बहुत से लोग हैं जो मुझे आज ये पूछते हैं कि फ़ोटोग्राफी में टिप्स वगैरह, ट्रिक्स वगैरह कुछ, तो इसमें इतना कुछ किया जा सकता है, इतना सारा टिप्स है, ट्रिक्स है कि उसका तो कोई लिमिट नहीं है। तो एक सबसे बड़ा एक बात है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, फ़ोटोग्राफी के फील्ड में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपके आसपास का जितना भी कुछ है, हर चीज़ एक इंस्पिरेशन है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो हर कोई इंस्पिरेशन है। कभी भी लाइफ में किसी से जेलस नहीं होना चाहिए। जेलस होने से क्या होता है कि आप चाहोगे कि उस इंसान को आप डाउन करो एंड देन ऊपर बढ़ो, आप उस चीज़ से कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप चाहोगे कि वो इंसान गिरे और आप वहाँ उस लेवल तक जाओ, देन आप आगे बढ़ो। लेकिन इंस्पिरेशन मानने से क्या होगा कि आप हर किसी के साथ साथ सीखते रहोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी भी आप अपने आप को ये मत सोचना कि उसके पास कैमरा अच्छा है तो वो अच्छा फ़ोटो ले सकता है। आप हमेशा ये चीज़ जान लो कि आपका जो विज़न होगा, जो आपका थॉट है, वही आपका हेल्प करेगा। आप अपने अंदर कितना अच्छा इमेज बना सकते हो फ़ोटो लेने के पहले, वो आपको हेल्प करेगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि आप किसी से कम हो। आप अपने पहले की तस्वीरों को देखो जो आपने पहले क्लिक किया है, और उससे आप इम्प्रूव करो कि इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। अगर आप देखते हो कि मैंने पीछे की इन तस्वीरों में ये गलतियाँ की हैं, ट्राई करो कि आगे जब वो फ़ोटोज़ लो तो वो गलती ना हो। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप 8-10 फ़ोटोज़ लेते हो एक सब्जेक्ट पे, उसमें से आप बेस्ट चूज़ करते हो। 2-3 फ़ोटोज़ पहले चूज़ किया, देन फिर एक चूज़ किया, उसको आप सेलेक्ट करते हो। धीरे धीरे जब आपके अंदर में खुद से ही कॉम्पिटिशन होगा, तो क्या होगा कि आपको पहले से पता होगा कि हाँ, ये फ़ोटो मैंने लास्ट टाइम लिया था तो इससे बेटर ये फ्रेम था। तो अपने आप वहाँ पे इम्प्रूव होता चला जाएगा। पीछे के तस्वीरों को आप जितना देखोगे, आपको पता चलेगा कि लास्ट टाइम मैंने क्या गलतियाँ की थी। तो कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ खुद से करना है, किसी और से कंपटीशन करने के चक्कर में नहीं रहना है। आप खुद से कंपटीशन करो, खुद को आगे बढ़ाओ। और जब भी आप फ़ोटोज़ लो तो ट्राई करो कि उस फ़ोटो से एक स्टोरी निकल के आए। कैप्शन दिए बिना अगर आप उस फ़ोटो से स्टोरी निकाल के लाते हो, तो समझ लो कि हाँ, आप एक अलग लेवल का थॉट रखते हो। जितना ज़्यादा आपके अंदर ये इम्प्रूव होते चला जाएगा, आप जितना ज़्यादा अपने आप को इस तरीके से निकाल लोगे कि आप स्टोरीज़ बताना स्टार्ट कर दोगे फ़ोटोज़ के थ्रू, आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाओगे। और सबसे बड़ी बात, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करो। आप कितना भी ऊपर चले जाओ, कितने भी आगे बढ़ जाना, कभी भी उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने आपका सपोर्ट किया है। और लास्ट में हम यही बोलेंगे आप लोगों को कि अपने ड्रीम्स के पीछे भागो। जो भी आपका ड्रीम है, हमेशा ट्राई करो उसको पूरा कैसे करना है। कभी भी कुछ भी हो जाए, गिव अप मत करना। टाइम लगेगा लेकिन सब सही होगा।
और जो भी आपका पैशन है, जो भी जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, कैरियर बनाना है, हॉबी बनाना है या जो भी चीज़ है, आपको कभी भी उस चीज़ में आप गिवअप मत करना। स्ट्रगल आएगा लाइफ में, मेहनत करना होगा, लेकिन कभी ना कभी आप सक्सेस जरूर होते हो। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे bepcddprogram@gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। बचपन से हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स सब लोग हमें पूछते हैं कि आप बड़ा होके लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है, आपके लाइफ में गोल्स क्या है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आने लगती है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए गोल्स होना बहुत जरूरी है। पर कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत दृढ़ निश्चय के साथ एक गोल बनाते हैं पर उसे अचीव करने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाते। क्या जितने लोग जिम जाते हैं सब फिट हो पाते हैं? नहीं ना। ऐसा क्यों है? मेरा नाम है पावनी खंडेलवाल, मैं एक सामाजिक उद्यमी यानी कि सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और आज इस कक्षा में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि कैसे हम ऐसे गोल्स यानी कि ऐसे लक्ष्य बना सकते हैं जिन्हें ना केवल हम अचीव कर पाए, हासिल कर पाए, पर साथ ही साथ जिनसे हमें डर ना लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट वर्ड को हम कैसे स्पेल करते हैं? SMART। आप सब स्मार्ट बच्चों, आपको ऑलरेडी ये पता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको स्मार्ट की स्पेलिंग क्यों बता रही हूँ, पर स्मार्ट गोल्स में S का क्या मतलब है? स्मार्ट गोल्स में S का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पष्ट। कई बार हमारा जो गोल होता है वो एक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता, काफी वेग होता है, काफी अस्पष्ट सुनाई देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। हम सबको डेली अपने माँ बाप से डांट पड़ती है कि सुबह जल्दी उठा करो, इतनी लेट क्यों उठते हो, रात भर फोन पे लगे रहते हो, और हम रोज डांट खा के ये सोचते हैं कि कल सुबह हम पक्का जल्दी उठेंगे। हम गोल बना लेते हैं कि कल तो जल्दी उठना ही उठना है। पर सब लोगों के लिए, हर किसी के लिए जल्दी उठने की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए सुबह के 4 बजे जल्दी होते हैं तो किसी के लिए सुबह के 8 बजे भी जल्दी नहीं होते। अब आप मुझे देख लीजिए, मेरे को तो सुबह के 8 बजे भी जल्दी नहीं लगता। पर अगर आप जल्दी उठना चाहते हो तो आपका गोल ये नहीं होगा कि आपको सुबह जल्दी उठना है। आपको ऐसा गोल बनाना पड़ेगा जो स्पष्ट हो, मतलब मुझे सुबह 6 बजे जल्दी उठना है, तब जाके आप उस गोल को कहीं ना कहीं अचीव कर पाओगे। एक और एग्जाम्पल लेके इस बात को समझते हैं। हम सब या हम में से बहुत सारे लोग जॉब करना चाहते होंगे। मैं बहुत सारी यंग गर्ल्स से मिलती हूँ जो जॉब करना चाहती हैं, पर जब मैं उन्हें पूछती हूँ कि आप किस तरह की जॉब करना चाहते हो,
तो उन्हें एग्जैक्टली क्लियरली नहीं पता होता कि उन्हें कैसी जॉब करनी है। वो कहते हैं कोई भी जॉब जिसमें हम ऑफिस में बैठ के काम कर सके। अगर उन्हें ये पता हो कि उन्हें एक ऐसी जॉब करनी है जहाँ पे उन्हें अकाउंटिंग का काम करना है या टेलीकॉलिंग का काम करना है या डिजाइनिंग का काम करना है, तो उन्हें ज्यादा आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो ये तो डिफरेंस हुआ एक स्पष्ट और अस्पष्ट गोल का। पर हम ये कैसे पता करेंगे कि जो गोल हमने सेट करा है हम उसे अचीव कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए हमें गोल को नापना पड़ेगा, गोल को तोलना पड़ेगा और हर थोड़े टाइम में देखना पड़ेगा कि हम उस गोल की तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। और इसीलिए स्मार्ट गोल्स का जो दूसरा अल्फाबेट है वो है एम, यानी कि मेजरेबल, एक ऐसी चीज जिसे हम तोल सकें, जिसे हम नाप सकें। अब गोल्स को कैसे हम नापेंगे? अब आप सोचिए, दो लोग हैं, एक है राम और एक है रवि। राम जिम जाता है और कहता है मैं फिट होऊंगा, और रवि जिम जाता है और कहता है कि मैं इस महीने 3 किलो वजन घटाऊंगा। आपको क्या लगता है कि राम ज्यादा जल्दी फिट होगा या रवि? मुझे लगता है रवि जल्दी फिट होगा, क्योंकि उसका जो गोल है वो मेजरेबल है। वो हर रोज जब वेइंग मशीन पे खड़ा होगा, तराजू पे खड़ा होगा, तो वो देख सकता है कि आज उसने कितना वजन घटाया और 3 किलो वजन कम करने में उसको कितना टाइम लगेगा। वो एक महीने में 3 किलो वजन कम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और दूसरे हाथ पे राम, जिसको पता ही नहीं है कि उसको आखिर में कितना वेट लूज करना है या उसको कितना फिट होना है, राइट? सो आपको राम बनना है या रवि बनना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। अब वेट मान लीजिए आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको 3 किलो कम करना है, पर कोई बोले कि अरे मुझे तो 10 किलो वजन कम करना है, वो भी एक महीने में, तो क्या आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक है या अटेनेबल है? शायद नहीं। कई बार हम ऐसे गोल सेट करते हैं जिन्हें अटेन करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, सुपर ह्यूमंस के लिए भी। तो हमें एक ऐसा गोल बनाना है जो कि रियलिस्टिक हो, जिसको हम अटेन कर पाए, ना कि एक ऐसा गोल जिसको सोच कर ही हमें लगने लगे पता नहीं हम ये कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके? तो ऐसे गोल्स को सेट करें जो पॉसिबल हो। अब पॉसिबल है गोल्स, ऐसा सेट करा हमने जो मेजर कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, जिसको नाप सकते हैं। पर ऐसे गोल्स का क्या फायदा जिनको, जिनसे हमारी लाइफ में कुछ अचीव करने में हेल्प ही ना हो? जो हमारी सक्सेस की डेफिनेशन है, उस सक्सेस की डेफिनेशन को अचीव करने में उससे हमारी कोई हेल्प ही ना हो। तो इसीलिए जो स्मार्ट गोल्स में फोर्थ अल्फाबेट है वो है आर, मतलब कि रिलेटेबल। ऐसे गोल्स जो हमारी लाइफ के एक्चुअल गोल से, लाइफ के बड़े वाले गोल से संबंधित हो, रिलेट कर पाए। अब मान लीजिए कि आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, ये काफी अच्छा गोल है, फ्रेंच एक बहुत ही सुंदर भाषा है। पर क्या फ्रेंच सीखने से आपको आपकी लाइफ का जो एक्चुअल गोल है, मान लीजिए आपकी लाइफ का गोल है मिलियनेयर बनना, तो क्या फ्रेंच सीखने से आपकी लाइफ के मिलियनेयर बनने वाले गोल में कोई हेल्प हो रही है? शायद नहीं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जो हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं वो हमारी लाइफ के बड़े वाले गोल से कोई संबंध रखते हैं या नहीं रखते। और पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टी, यानी कि टाइम बाउंड। हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम काफी टाइम वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट आप खुद देखिए, समर वेकेशंस में जब भी मुझे प्रोजेक्ट मिलता था, समर वेकेशन का हॉलिडे होमवर्क मिलता था, हम पूरे समर वेकेशन मस्ती करते थे और लास्ट के एक हफ्ते काम करते थे, है ना? आप लोगों ने भी ऐसा करा है। पर क्योंकि हमें पता होता था कि यार लास्ट के एक हफ्ते तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल चालू होने वाला है, क्योंकि डेडलाइन होती थी, तो हम उसे कैसे भी करके, चाहे दिन रात एक करके हम अचीव कर ही लेते थे। चाहे हम पूरे साल पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, पर एग्जाम से पिछले दिन तो हमें पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि हमें पता होता है कि यार कल तो एग्जाम है, अगर अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। गोल्स के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही है। जब तक आप अपने गोल्स के लिए एक डेडलाइन सेट नहीं करोगे, एक टाइमलाइन सेट नहीं करोगे, तब तक उस गोल को अचीव करना काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कब तक अचीव करना है। आपको लगेगा कि आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है उस गोल को अचीव करने के लिए, पर पूरी लाइफ नहीं होती, राइट? तो ये है
स्मार्ट गोल्स, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रिलेटेबल एंड टी फॉर टाइम बाउंड. डोंट फॉरगेट दैट अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश. बिना प्लान का जो एक गोल होता है वो एक गोल नहीं होता, वो बस एक चाह होती है. तो अगर हमें गोल्स को अचीव करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप ही की तरह स्मार्ट हो. और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो कि गोल सेटिंग के बारे में है वो ये है कि गोल सेटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता ही रहता है. ऐसा नहीं है कि हमने आज गोल बना दिया और आज से 10 साल बाद हम सक्सेसफुल हो जाएंगे. हो सकता है कि हर थोड़े हफ्ते, कुछ हफ्तों में, हर कुछ महीनों में आपको फिर से अपने गोल को देखना पड़े, उसको रीडिफाइन करना पड़े, उसको दोबारा से बनाना पड़े, उसको मेजर करना पड़े. तो एक डायरी लीजिए और आपने जो शुरू में अपना गोल लिखा था उसको एक स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करिए और उसको हर कुछ कुछ टाइम में वापस से देखते रहिए और ये देखिए कि आप कहाँ तक पहुँच गए. ये है आपका आज का मेरी तरफ से होमवर्क. जब आप आज का अपना होमवर्क कंप्लीट करके अपने गोल को जो आपने आज की क्लास के शुरू में लिखा था उसको एक स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको 100% अश्योरेंस के साथ ये बात बोल सकती हूँ कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और पूरी गारंटी के साथ उसे अचीव भी करेंगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल एंड आई विल सी यू वेरी सून. बाय बाय. बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक जबरदस्त मस्ती भरा पावर पैक्ड शो जिसको होस्ट करेंगे हम. ये हैं आपकी होस्ट, आपके खुशियों की डॉक्टर, आपके स्वस्थ और मस्त रहने का जरिया, आपकी काउंसलर काव्यल सेडानी. और ये है केतन सिंह. बस इतना ही. हमारे शो पर आप बहुत कुछ सीखेंगे और सीखने का मतलब ये नहीं कि रोते रोते सीख रहे हैं. हम आपको पूरे मस्ती और फुल पावर के साथ बहुत कुछ सिखाएंगे. क्या सिखाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमी बनना, सोशल स्किल्स, बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे लाना, नए नए बड़े बड़े आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत कुछ. और अगर आपको लगता है उद्यमी क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए है, जी नहीं, ये क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही पावरफुल है और हम चाहेंगे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने. तो हमारे शो का नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो. देखना ना भूलिए. बिल्कुल नहीं. नमस्ते, मेरा नाम दिनेश है और हम गुजरात कच्छ भुज में वीविंग और डाइंग का काम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं. आज हम नेचुरल इंडिगो, जो एक फर्मेंटिंग प्रोसेस है, वो कैसे डाइंग होता है और उसका प्रोसेस क्या है वो देखेंगे और समझेंगे. यहाँ वूल और कॉटन के ऊपर ज़्यादातर डाइंग हो रहा है. सिल्क अभी लास्ट 20 साल में डाइंग हो रहा है लेकिन वो बहुत ही कम है. तो आज हम नेचुरल इंडिगो कॉटन के ऊपर कैसे डाइंग हो रहा है वो देखेंगे. इंडिगो वैसे एक प्लांट का नाम है. वो 3.5-4 feet का एक पौधा होता है जो साउथ इंडिया और पहले कलकत्ता में भी बहुत होता था. तो वो एक प्रोसेस करके पत्तों में से डाई निकालते हैं, फिर एक कैप फॉर्म में बनाते हैं. फिर हम वो कैप फॉर्म को या पाउडर फॉर्म को सीधा पानी के अंदर डाल के लाइम और खजूर डाल के इंडिगो फर्मेंटिंग के लिए छोड़ देते हैं 20 दिन के करीब गर्मी के दिनों में. तो वो अपने आप पानी के अंदर अपना इंडिगो रंग छोड़ेगा और जब रंग छोड़ देगा तब हमको पता तभी चलेगा कि वो पानी का कलर ग्रीन जैसे हो जाता है. तो पता चल जाता है कि अब इंडिगो एकदम डाई के लिए रेडी है. इसके अंदर 3 ही चीज़ जाता है, एक इंडिगो, एक खजूर, लेट्स वाटर और लाइम. जो लाइम है वो पीएच कंट्रोल के लिए है. मैक्सिमम हम 10 से 11 कॉटन के लिए 10 भी लेते हैं तो भी चलता है. अगर वूल डाइंग है तो हम 9 पीएच लेते हैं.
और खजूर का जो काम है वो यही है कि इंडिगो इतना सॉलिड है कि वो सीधा रंग छोड़ेगा नहीं पानी के अंदर, मतलब वो चीनी जैसा नहीं है कि पानी के अंदर डाला और हिलाया और घुल गया, वो पानी के अंदर तो रहेगा लेकिन वो घुलेगा नहीं। तो खजूर का काम इसके अंदर यही है कि वो इंडिगो को अपने आप घुलाएगा, मतलब वो फर्मेंटिंग प्रोसेस हो गया। तो वो घुलने के बाद हम उसको कंट्रोल करेंगे पीएच के साथ अल्कलाइन में 10-11, तो 20 दिन के बाद वो अपने आप इंडिगो वैट रेडी हो जाता है। तो फिर रेडी हो जाने के बाद फिर हम सीधा यान को डाई कर पाते हैं। जैसे आज हम अभी ये वैट रेडी है, हमारे पास अभी 11 वैट हैं, एक वैट में 200 लीटर का पानी है, तो हम उसके हिसाब से इंडिगो 1 kg के हिसाब से डालते हैं 200 लीटर में, और खजूर वेक में एक बार 200 ग्राम के करीब उसका पेस्ट बना के पानी डालते हैं, और पीएच डेली चेक करते हैं कि पीएच, क्योंकि गर्मी के दिनों में पीएच बहुत ही अप एंड डाउन होता है। तो जैसे हम 10 आज लेते हैं तो नेक्स्ट दिन अगर हम देखेंगे तो 8, 8.5, 9 भी पीएच हो जाता है। तो फिर से हम थोड़ा सा लाइम डाल के उसको पीएच कंट्रोल करते हैं, मतलब इसको डेली देखना है, डेली देख के उसको पीएच देखना है, और वीक में एक बार खजूर का पानी डालना है कि वो इंडिगो जितना भी नीचे हैं वो धीरे धीरे खजूर के पानी के साथ घुलता रहे, मतलब मिलता रहे और अपना रंग छोड़ता रहे। तो आज हम यान डाई कॉटन के ऊपर नेचुरल इंडिगो कैसे हो रहा है वो सीधा यान दे, ये यहाँ का लोकल ऑर्गेनिक कॉटन है और ये यहाँ ही ग्रो होता है और यहाँ ही स्पिनिंग होता है। तो आज हम देखते हैं ये डाई कैसे होता है। ये अभी नेचुरल वाइट फॉर्म में है, तो हम देखेंगे कि ये ब्लू हो जाएगा। तो जैसे हम पानी के अंदर यान डालते हैं तो अगर हम देखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, तो मतलब इंडिगो एकदम सही चल रहा है तभी ये ग्रीन होता है, वरना अगर फर्मेंटिंग नहीं हो रहा है या फर्मेंटेशन स्लो है या हमने उसको अच्छी तरह केयर नहीं किया है तो पानी ब्लू ही होता है, वो ग्रीन नहीं होता। और ये हमने ज़मीन के अंदर लगाया है, वैसे अगर गर्मी है हम बाहर भी ज़मीन के बाहर भी रख सकते हैं, जैसे बकेट है अगर 20 लीटर का है, अगर वो बच्चे कोई सीखना चाहते हैं तो वो इजीली सीख पाएंगे और कर भी पाएंगे, ये इतना मुश्किल जैसा है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल है और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो हम ये आराम से कर सकते हैं। और किसी बच्चे को सीखना भी है या ज़्यादा समझना है तो बच्चा सीधा क्वेश्चन भी कर सकते हैं और हमसे सीधा पूछ भी सकते हैं। उनको जो इसमें मटेरियल यूज़ होता है इंडिगो या लाइम या खजूर, वो उनको बाज़ार से भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो हमको भी पूछेंगे तो हम भी उनको दे सकते हैं। हमारा मेन काम वीविंग का ज़्यादा है, बुनाई का। तो बुनाई जैसे डेली होता है, डाइंग डेली नहीं होता, क्योंकि वीक में एक दो बार अगर डाई हो गया तो फिर वो वीविंग में यान चलता रहता है। एक वीक के लिए अगर 2 दिन भी डाई करेंगे तो वो इनफ है। और ये नेचुरल इंडिगो या नेचुरल डाइंग का सबसे बड़ा खूबी यही है कि ये अगर 200 लीटर पानी है तो ये 200 लीटर पानी एक साल यही पानी चलता रहेगा, मतलब पानी का इतना ज़रूर नहीं है। बाकी केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डाई करते हैं तो वो पानी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। नेचुरल डाई में खूबी भी यही है कि सब कुदरत से लिया हुआ चीज़ इसमें यूज़ होता है, कुछ भी केमिकल नहीं है, मतलब पर्यावरण का बहुत ही अच्छा इसमें रक्षण होता है। तो हम तो यही कहेंगे जितना ये नेचुरल डाइज यूज़ होगा तो जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसमें हमारा से जितना भी सहयोग हो सके वो हम कर सकते हैं। बच्चों को एक बार प्रैक्टिकल करना चाहिए तो आगे जाके उनको लाइफ में कभी भी
इस चीज़ में प्रॉब्लम हो तो उनको वो पता हो। और किसी बच्चे को ये सीखना है तो वो घर के अंदर छोटा सा 20 लीटर या 30 लीटर का वैट लगा के आराम से सीख सकते हैं और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, दो ही तीन चीज़, इंडिगो मतलब इंडिगो का पाउडर मिलेगा बाज़ार से, अगर नहीं मिलता है तो हम उसको दे देंगे, फिर लाइम है और खजूर है, तो ये दोनों चीज़ तो आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएगा। तो वो बच्चे आराम से घर पे प्रैक्टिकल करके वो सीख सकते हैं। और कुछ भी उसको क्वेश्चन जैसा है या उसको समझ में नहीं आता है तो हमको वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं या हमसे वो मदद ले सकते हैं, हम उनको बताएंगे कैसे करना है। और ये एक्टिविटी करने जैसा है क्योंकि क्राफ्ट के साथ साथ एक नॉलेज जो हम बोलेंगे, क्योंकि ये साइंस का ही सब्जेक्ट है कि फर्मेंटिंग हो रहा है, इसमें अल्कलाइन का पानी रखना है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों को एकदम जादू जैसा ही लगेगा। और इसका सबसे बड़ा जादू तो यही है कि पानी ग्रीन है और जो डाई होगा वो ब्लू होगा, वही उसका सबसे बड़ा मैजिक है। तो जो बच्चे करेंगे उसको बहुत ही इंटरेस्ट होगा और वो करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। मम्मी, मैंने पपी मांगा था, इसको क्यों लेके आए हो? ये सिलवेट, तुझे रास्ते के सिग्नल से उठा के लाए थे, पता है ना भूखी कैसी बैठी थी, वो तो हमको दया आ गई इसलिए गोद ले लिया। मम्मा सुनो, दीदी को बोलो इंस्टाग्राम पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैट करी, काम कुछ करने दिए, फेल हो जाएगी। पापा इसको बोलो मेरी छुगरी नहीं करे वरना वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। क्या आपके पास भी है ऐसा कोई इरिटेटिंग भाई या बहन जिनके साथ आपका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड भी हो? उनसे प्यार भी है लेकिन मानेंगे नहीं, गुस्सा बहुत है, चिढ़ भी है, कभी कभी लगता है घर से बाहर फेंक दे, लेकिन ना उनके साथ रह सकते ना उनके बिना। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आज बात करते हैं सिबलिंग राइवलरी की आपकी फेवरेट काउंसलर काव्या सिदारी के साथ। यार ये भाई बहनों का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड होता क्यों है, सिंपल क्यों नहीं हो सकता? मुझे ये पता है कि मैं सबसे पहली लड़की थी घर में और मैं मेरे माँ बाप के प्यार की निशानी थी, और जो दूसरा और तीसरा आया मेरे पीछे, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये कहा कि ये तुम्हारी कंपनी के लिए है, तुम्हारे खेलने के लिए है, तुम्हारे दोस्त है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तो ये बार बार मुझसे झगड़ा क्यों करते हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? इसलिए गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत थी, मैं अकेली ही ठीक थी ना। लेकिन मैं ये एडमिट नहीं करना चाहती कि मुझे मेरे भाई बहनों से फायदा भी बहुत मिला है। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बुरा किस चीज का लग रहा है। मुझे बुरा इस चीज का लग रहा था, पहले से जब मैं अकेली थी घर में तब मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा दादा दादी नानी नाना काका चाची मामी सब लोग मेरी उंगली के इशारों पे घूमते थे, जो मुझे खाना रहता था वही बनता था, मुझे जहाँ जाना रहता था वहाँ सब लोग जाते थे, जब मैं सो जाती तो घर बंद हो जाता। लेकिन ये दो शैतान आए, उसके बाद मेरा राज ही खत्म हो गया। अभी अपसेट होने वाली बात है या नहीं? जरूर है, और मेरे जैसे आपको भी बुरा लग रहा होगा। ऐसी बहुत सारी और रीजंस है जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता था। एक तो ये कि जब दूसरे और तीसरे बच्चे आए तब मुझे सडनली बोल दिया गया कि अब तुम बड़ी हो, अब तुम उनका ध्यान रखो, अब तुम मस्ती नहीं कर सकती, तुम जैसा करोगे वैसा ये लोग तुमको देख के करेंगे। अरे वो लोग गड़बड़ करे उसमें मैं क्या करूं? जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं उसका क्रेडिट तो मुझे मिलता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने मस्ती की गड़बड़ की कुछ तोड़ फोड़ दिया ना तो सीधा मेरे नाम पे, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, तुम बड़े हो, उसको लग जाएगा, देखा करो थोड़ा सा, मेरी क्या गलती, मुझे क्यों बोल रहे हो? ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात मैं घर की रानी में से बड़ी बहन बन गई।
और बड़ी बहन बनने में ना इतना कोई मजा नहीं है, छोटों का सिर्फ ध्यान ही रखना पड़ता है। उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो डांट मुझे खानी पड़ती थी। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मुझे फायदे क्या हुए भाई बहनों के। जब मेरी बहन आई ना तो मुझे सच में एक फुल टाइम खिलौना मिल गया, फुल टाइम कोई मिल गया जिसको मैं प्यार कर सकूं, हग कर सकूं, किस कर सकूं, जिसके साथ मस्ती भी कर सकूं, और अगर थोड़ा सा गुस्सा आए ना तो बड़बड़ करके डांट भी सकूं। मैं जितना भी बड़बड़ करती थी ना उसको कुछ समझ में नहीं आता था, वो फिर भी हंसती रहती थी मेरे सामने। फिर वो बड़ी हो गई तो वो भी अलग सा बड़बड़ करने लगी, वो अलग चीज है। लेकिन मेरे भाई बहनों के आते से ही मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। मैंने ये सीखा कि दुनिया के जो बाहर लोग हैं उनसे कैसे वर्ताव करना है, नए फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, छोटे बच्चों के जैसे मजा कैसे लेना है हर चीज का। उनका कंसंट्रेशन और फोकस इतना ज्यादा था कि उनसे कंपटीशन करते 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 मेरी पढ़ाई भी फर्स्ट क्लास हो गई। उनके साथ खेलने में, रात को भूतों की स्टोरी सुनाने में बहुत मजा आता था। अब मैं याद करती हूँ कि अब हम सब बड़े हो गए हैं, छोटे थे तो कितना मजा आता था। छोटे छोटे घर रहते थे, सोने के लिए इतनी ही जगह रहती थी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर टांग पे टांग चढ़ा के बहुत मस्त से सोते थे हम लोग। आप भी ऐसे ही सोते होंगे ना अपने घर पे, आपके भाई बहनों को ऐसे कडल करके, हग करके। बहुत मजा है ये भाई बहन के रिश्ते में। लेकिन कुछ गलत फहमियां इस रिश्ते को खट्टा कर देती हैं, और वो गलत फहमियां ये हैं कि जब भाई और बहन झगड़ा करते हैं तो माँ बाप अक्सर आ जाते हैं झगड़े को सुलझाने। फिर वो लोग बोलते हैं तुम ऐसा मत करो, तुमने ये गलत किया, तुमने वो सही किया, तुमने क्यों परेशान किया इसको उसको। हम समझ बैठते हैं कि हमारे माँ बाप किसी एक की तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, वो किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हमारे माँ बाप दोनों या तीनों बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्हें तो बस ये चाहिए कि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इतना झगड़ा ना कर ले कि किसी की आंख फूट जाए या कान में लग जाए, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसलिए हमको शांत रखने के लिए वो भी जब हड़बड़ा जाते हैं, कभी कभी उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इस गलत फहमी को अगर हम जिंदगी भर पकड़ के बैठेंगे ना अपने नजदीक, तो हम भाई बहनों से पूरी तरह से प्यार नहीं कर पाएंगे, उस रिश्ते को पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इन तरफदारियों वाले जो किस्से हैं आपके दिमाग में, लेकिन मम्मी ने ये किया था, लेकिन पापा ने वो किया था, उसको जाने दीजिए कचरे के डब्बे में, पुराना हो गया अब उसको जरूरत नहीं है आपके साथ लगा के रखने की। फिर ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी हो जाती है कि जब हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन से सीखो वो ये कितना अच्छा कर रही है, या तुम्हारे छोटे भाई से सीखो वो ये कितनी नम्रता से बात करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको नकार रहे हैं और किसी और को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते या हमें प्यार नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनको वो चाहिए कि हम हमारे सबसे बेहतर पर्सनालिटी या सबसे बेहतर वर्जन बन जाए। तो अगर किसी और के पास कुछ अच्छा सीखने को है तो हम क्यों ना अपनाएं उसे, दोनों हाथों से अपनाइए, आप अपने भाई बहनों से बहुत कुछ सीख पाएंगे। हाँ, एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि हाथ मत उठाइएगा अपने भाई बहनों पे जब आपको एक दूसरे से लड़ना हो। आप एक दूसरे को बहुत फनी फनी से शब्द कह के बुला सकते हैं, जैसे भिंडी, टिंडा, करेला, कॉकरोच, मक्खी, ये सब अलाउड है। लेकिन जब हम हाथ उठाते हैं तो हमारा शरीर उस थप्पड़ को या उस लात को याद रख लेता है, और वो गुस्सा अंदर 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 बढ़ता ही जाता है। ये गुस्सा किसी काम का नहीं, आपके रिश्ते को बिगाड़ के रखेगा, छोड़ दीजिए उसे साइड पे। और हाँ, जब आपके छोटे या बड़े भाई बहन आपकी चुगली करते हैं और हमको इतना गुस्सा आता है, इस चुगली के लिए भी थैंक यू कहिए, क्योंकि आप जब बड़े हो जाएंगे तो बाहर स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं चुगली खोर, नारायण नारायण टाइप के, कि आपकी चुगली करते ही रहेंगे। तो आपके भाई बहन आपको एक्चुअली ट्यूशन दे रहे हैं कि कोई आपकी चुगली करे
तो आपको क्या करना चाहिए, हंसी मजाक में उड़ा दो, उनकी भी चुगली करो और जाने दो। और हाँ, भाई बहनों के जैसा रिश्ता जिसमें खट्टाई भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, तीखा भी है, ऐसा रिश्ता कहीं और नहीं। जो आपके दोस्त अभी है वो शायद कल आपके साथ ना रहे, शायद आप अपने मम्मी पापा के साथ भी ना रहे, कहीं और चले जाएं पढ़ने को। आपके आगे जाके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, ये सब आएंगे, लेकिन वो जिंदगी के किसी और दौर पे आएंगे। आपके भाई बहन ही हैं जो शुरू से आपके साथ रहेंगे आपकी लाइफ के एंड तक, और वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। आप आपस में चाहे जितना भी झगड़ा कर ले, कोई और तीसरा आने दीजिए और आपको दो गाली देने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, आपके सारे भाई बहन इकट्ठा होके आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अपने भाई बहनों के रिश्ते को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, सस्ते में या हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा मजबूत रिश्ता है, इसको पूरे प्यार से और पूरी शिद्दत से निभाएं, इसके जैसा मजबूत और कुछ भी नहीं। इंजॉय द फाइट, इंजॉय द बदमाशी, इंजॉय द इरिटेशन, इंजॉय योर सिबलिंग। और मैं फिर मिलूंगी आपको किसी और एपिसोड में, तब तक फ्रॉम काव्यल सिदानी, बाय बाय। बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक जबरदस्त मस्ती भरा पावर पैक्ड शो, जिसको होस्ट करेंगे हम। ये हैं आपकी होस्ट, आपके खुशियों की डॉक्टर, आपके स्वस्थ और मस्त रहने का जरिया, आपकी काउंसलर काव्यल सिदानी, और ये है केतन सिंह। बस इतना ही। हमारे शो पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, और सीखने का मतलब ये नहीं कि रोते रोते सीख रहे हैं, हम आपको पूरे मस्ती और फुल पावर के साथ बहुत कुछ सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमी बनना, सोशल स्किल्स, बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे लाना, नए नए बड़े बड़े आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत कुछ। और अगर आपको लगता है उद्यमी क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए है, जी नहीं, ये क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही पावरफुल है, और हम चाहेंगे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने। तो हमारे शो का नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो, देखना ना भूलिए। बिल्कुल नहीं।